नमस्कार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको टॉप 5 ऐसे सीक्रेट्स ऐप बताने जा रहा हूँ, इस नवंबर के मंथ में आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो वीडियो को ज्यादा बोर नहीं करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऐप जो मैंने अपने लिस्ट में रखा है, इस एप्लीकेशन का नाम है एनी बुक्स। वैसे अगर आप प्ले स्टोर में कोई भी बुक्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन इस एप्लीकेशन के थ्रू आप कोई भी बुक्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के बहुत सारे कैटेगरी दी गई है जिसे आप आसानी से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कोई ऑथर का नाम सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सर्च का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिसे आप सर्च करके आप उस ऑथर के बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्री ऐप है, यहाँ पे आप बहुत सारे बुक्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सेटिंग में बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको फ्रंट साइज कम या ज्यादा करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और अगर आप इसे रात में यूज करना चाहते हैं तो आपको नाइट थीम का भी ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऐप की ओर चलते हैं। सेकेंड ऐप की बात की जाए तो इस एप्लीकेशन का नाम है वॉकी टॉकी। वैसे आप सभी ने बचपन में बहुत सारे वॉकी टॉकी यूज किए होंगे, वैसे आप सभी का तो नहीं मालूम लेकिन मैंने तो यूज किया है। लेकिन आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी एक एप्लीकेशन भी आ चुकी है। इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं आप रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू आप दो मोबाइल फोन को आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। इसमें आपको सिंपल इस रेडियो फ्रिक्वेंसी को मैच करना है दोनों मोबाइल पे। जैसे ही आप कनेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड शो यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे पुश टू टॉक वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आप किसी भी फोन पे यहाँ पे अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये दूसरे फोन में आसानी से सुनाई देगी। तो ये बहुत अच्छी फीचर मुझे नजर आई है। वैसे आप सभी इसे ग्रुप में यूज करना चाहते हैं तो आप बहुत सारे फोन में भी आसानी से इसे यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर चलते हैं। फाइंड माई किड्स, नाम सुन के ही आपको काम समझ में आ गया होगा, बट लेट मी एक्सप्लेन। आप सभी जानते हैं कि डे टू डे लाइफ में किडनैपिंग के केस बहुत ज्यादा हद तक बढ़ते जा रही है। इसी सिचुएशन को देखते हुए यूएस के एक डेवलपर ने एक ऐसी ऐप क्रिएट की है। इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप अपने चाइल्ड को ट्रैक कर सकते हैं। चलिए इस एप्लीकेशन की मेन फीचर की बात की जाए तो इस एप्लीकेशन की हेल्प से यहाँ पे आप देख सकते हैं आप अपने चाइल्ड के एग्जैक्ट चाइल्ड लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जिसमें आपके चाइल्ड कहाँ गए, कब कब कहाँ रुके, उसकी सारी जानकारी आपको इस एप्लीकेशन की हेल्प से मिल जाएगी। और किसी ऐसी सिचुएशन में आपके चाइल्ड अगर फोन नहीं रिसीव कर पाते हैं तो इसमें एक ऐसी फीचर दी गई है जिससे आप चाइल्ड के अराउंड के साउंड को आसानी से आप यहाँ पे लिसन कर सकते हैं। और बाकी जो ऐप की बात की जाए तो यहाँ से आप ऐप के स्टैटिक्स भी चेक कर सकते हैं, जिसमें आपके चाइल्ड कौन कौन से ऐप में कितने ज्यादा समय दे रहे हैं उसको आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। और यहाँ तक कि आप उस एप्लीकेशन को ब्लॉक करना चाहते हैं तो वो सारी फीचर भी आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएगी। मुझे तो ये बहुत अच्छी ऐप लगी। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा आप सभी पेरेंट्स को इस एप्लीकेशन को आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर चलते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। इस एप्लीकेशन का नाम है डीएनडी। अगर आप अपने फोन को साइलेंट करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप 2 सेकंड के अंदर अपने फोन को डीएनडी एक्टिवेट कर सकते हैं। डायरेक्ट इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते कुछ परमिशन देनी होगी, और ये परमिशन अलाउ होने के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे आप अपने फोन को अपने टेबल पे रखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटी सी आपको साउंड सुनाई देगी और यहाँ पे डीएनडी एक्टिवेट हो जाएगी। और जैसे ही आप अपने फोन को ऐसे उठा लेते हैं तो ये आपकी डीएनडी डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आप इस एप्लीकेशन के थ्रू आसानी से डीएनडी एक्टिवेट कर सकते हैं। लास्ट एप्लीकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुकी है। इस एप्लीकेशन का नाम है एमओ स्टोरी। इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप अपने फोटो में क्रिएटिविटी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप कोई भी एसेट को आप चूज कर लें। चूज करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। चूज करने के बाद जैसे ये फाइल क्रिएट हो जाती है तो यहाँ पे आपके फोटो में बहुत अच्छी ट्रांजिशन देखने को मिल जाएगी। इसे आप अपने सोशल मीडिया में आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये सारी एप्लीकेशन आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। पसंद आए तो बिल्कुल एक लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।